हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। स्वागत हो गया है आप सभी का माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने बनाया था एक प्यारा सा टाउन हॉल अपने विलेजर्स के लिए। तो मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो नहीं बोलूँगा बट हाँ थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। इस साइड में मैंने लालटेन लगा दिया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन बचा था जो कि मैं केव से लाया था। और एक बार मैं आपको अपने टाउन हॉल का नज़ारा दिखा दूँ गाइस, कितना प्यारा लग रहा है भाई। और भाई आपको भी प्यारा लग ही रहा होगा। और मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बना रखी है। तो भाई आप देखो, मतलब इतना कुछ नहीं बनाया भाई मेरे हिसाब से। मैंने बहुत कुछ बनाया बट आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। वो ये छोटा सा भाई फवारा बनाया था और ये जो गाय वाय का वो जो भी था सब डिवाइड कर दिया मैंने। और भाई देखते ट्रेडर भाई क्या बेच रहे इधर पे। तो इतना कुछ खास तो बेच नहीं रहे हैं यार। शिट, मुझे लगा भाई क्या पता एक सीड के बदले मुझे एक स्टैक डायमंड दे देते हो। मजाक। चलो गाइस आपको और भी कुछ दिखा देता हूँ। भाई मैंने थोड़ा सा अपने फार्म में भी चेंजेस किए हैं और भाई थोड़ा आपको फवारे दिखा दो थोड़ा पास से। थोड़ा लुक कैसा लग रहा है भाई, रेट कर देना भाई कमेंट में कैसा लग रहा है भाई, है ना। तो मैं आपको थोड़ा ना फार्म दिखाता हूँ अपना, इसके ऊपर से भी देखना मैंने थोड़ा मतलब क्या कारीगरी की है फार्म में, आपको समझ में आएगा। ये देखो देखो बीच में मैंने कैरेट लगा रखा है और नहीं बीच में मैंने पोटैटो लगा रखा है और दो साइड में कैरेट की लाइन है और इस साइड वीट है पूरा। तो मैंने थोड़ा इसको मतलब थोड़ा एक टाइप का थीम टाइप का बना दिया मैंने इसको। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सपी फार्म। तो भाई एक्सपी फार्म के पीछे भाई काफ़ी तगड़ा वाला रीज़न है भाई। मैं ना रैंडमली एकदम माइन कर रहा था, रैंडमली मतलब ऐसे स्टोन डीपलेट इकट्ठा करने के लिए रैंडमली माइन कर रहा था। और जब मैं स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था उसके बीच में ना मेरे को साइड से एकदम भाई स्केल्टन और स्पाइडर की आवाज़ आने लगी बहुत जोर जोर से। तो भाई मैं थोड़ा सा साइड गया और भाई वहाँ जाकर मैंने देखा भाई वहाँ पर स्पॉनर था। और भाई स्पॉनर तो हटाओ भाई, वहाँ पर जो चेस्ट है भाई उसके अंदर कितनी खतरनाक चीज़ रखी हुई थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ भाई कि भाई मेरा लक इतना टॉप नॉच पे चल रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। भाई आप गैस करो मुझे क्या मिला होगा भाई उस चेस्ट में। अभी आप नीचे जाने वाले हो तो आपको पता लग ही जाएगा बट फिर भी आप लोग गैस करो और कमेंट में बताओ कि भाई क्या मिला होगा। तो चलते हैं फटाफट से, जो भी सामान था भाई सब कुछ ले लिया है, अब जाकर वहाँ पर बनाएंगे अपन लोग एक्सपी फार्म। तो ये देखो यहाँ पर है, देखना ये देखो ये रहा अपना स्पॉनर। देखो भाई इस साइड था ये भाई, कसम से बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको ना, पहले सबसे पहले ना इसको 1 2 3 4 5 इधर से ना ढक देते क्योंकि उस साइड से मॉब वॉब आ जाएंगे कोई, तो हम नहीं चाहते कि वो आकर हमें प्रताड़ित करे। तो इससे बढ़िया हम इसको ढक देते हैं क्योंकि हमारे फार्म बनाने में हमें कोई भी बाधा नहीं चाहिए। चेस्ट में देख लेते हैं। तो भाई इस चेस्ट में तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ें भाई, आपको लग रहा होगा भाई क्या ही है इस चेस्ट में। और भाई जब ये खुलेगा भाई इस पर देखो क्या है भाई, देख रहे हो तिलस्मी सुनहरा सेब, मतलब कितनी खतरनाक चीज़ मुझे मिली है भाई। मैं काफ़ी खुश हो गया था भाई, सच बता रहा हूँ। मैं वो रिएक्शन तुमको दे नहीं पा रहा हूँ अभी यहाँ पर भाई, बट मुझे जब दिखा था ना ये भाई बहुत खुशी हुई थी, सच बता रहा हूँ। पहले इसको चेस्ट को तोड़ लेते दोनों, फिर बनाना शुरू करते हैं आराम से। देखो मेरे पास एक्स पड़ी है क्या, ओ क्या मतलब गरीब हूँ, पर कोई बात नहीं अमीर हो जाएंगे अपन लोग। वैसे भी अपने आपको सुनहरा सेब तो मिल ही चुका है, अब तो बस लक भाई टॉप पे चल रहा है अपना, लकी है लकी मैन हूँ मैं तो। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमें ना स्पॉनर के ऊपर सिर्फ 2 ब्लॉक का स्पेस चाहिए, सिर्फ 2 ब्लॉक का। और ये जो तीसरी लेयर है ना इसको हम भर देंगे कोबलस्टोन से। रुको उससे पहले ना मैं नीचे टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि फिर ऊपर से ऊपर की लेयर पे लगा रहे हैं हमने, ऊपर लगा दी तो ऊपर से टूटेंगी फिर पता चले यहाँ कोई स्पॉन स्पॉन हो जाए। तो भाई अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है ना, अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले, उसके बाद भाई सारी चीज़ें। तो मैं ये जो थर्ड लेयर है इसको भर के मिलता हूँ आपसे। तो फिलअप हो चुका है, अब ना हमें स्पॉनर से चार चार साइड निकालनी है चारों तरफ, जैसे हम उसमें नहीं करते फार्मिंग में सेम टू सेम, वैसे जैसे हम फार्मिंग में करते हैं चार चार साइड निकालते हैं ना, वैसे करके हमें इसमें भी निकालना है और एक रूम टाइप का बना लेना है। लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुको, एक काम है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बिना तो कोई बातचीत ही नहीं होगी। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले वो काम करके आते हैं अपन ऊपर से, मतलब अपन को जाना होगा घर से बाहर थोड़ा। अभी आप सोच रहे हो भाई ऐसा कैसा काम है भाई कि उसके बिना काम ही नहीं होगा। भाई पानी लेने जाना है यार, वाटर बकेट, क्योंकि भाई नीचे हमें वो बनाना पड़ेगा अनलिमिटेड वाटर सोर्स, उसके लिए भाई 2 बकेट लगेगी। और ये देखो मछलियाँ कितनी प्यारी प्यारी हैं मैंने पाल रखी हैं भाई, मतलब वो बात अलग है मैं इनको खाने के लिए कुछ नहीं देता हूँ बट पाल रखी हैं
रुको एक सेकंड, मैं इन्वेंट्री अपनी खाली कर देता हूँ। कौन सी चेस्ट में करूँ, इसमें कर देता हूँ अभी, इसमें क्योंकि कुछ है नहीं इतना कुछ खास, क्योंकि वेट भरा पड़ा है इसमें। सब कुछ सामान रख देते हैं, एक ब्रेड भी रख दी भाई। सबसे पहले तो ये भाई सेब को छुपा के रखना पड़ेगा, पता चले कोई चोरी कर ले, किसी ने देखा तो नहीं ना मैंने कौन सी चेस्ट में डाला। चलो बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप लोग नहीं देखोगे। चलो आ गए हैं, अब देखो अब ऊपर का क्या है। ऊपर हमने इसको क्लियर कर दिया है, अब ऊपर से हमने इसका दो दो ब्लॉक का बना दिया। अब इस साइड में इसके चारों तरफ से ये पूरा इसको रूम टाइप का बना लेते हैं, है ना। बन गया ये, देखो देखो गाइस बन के रेडी हो चुका है अभी भी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ से हमें चार और ये चार, और एक सेकंड में गिन लेता हूँ, है ना, एक दो और ये तीन। अब ये जो मैंने तीन डिग किया है ना नीचे, अब इतना पेरीमीटर हमें पूरा खाली करना पड़ेगा है। तो मैं आपको सारा खाली करके मिलता हूँ। तो भाई लोग काफ़ी ज़्यादा पिकेक्स तोड़ ताड़ के भाई फाइनली खाली कर दिया। देख रहे हो कुछ इस टाइप का, स्पॉनर से नीचे तीन और स्पॉनर से ऊपर दो ब्लॉक, ठीक है भाई, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता देता हूँ, है ना, पता चले भाई बंदे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रुको एक सेकेंड ना, मेरे सबसे पहले यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ। यहाँ पर नहीं, नीचे यहाँ पर खोदते हैं इसको, ये एक यहाँ एक इधर, और कलेक्ट कर लेते हैं, एक लगाया इधर, और ये दूसरी वाटर बकेट उठा के इसको लगाया इधर। अब ये बन गया वाटर सोर्स, एक को डाला इधर और एक को डाला इधर। अब ये देखो, अब कुछ आपको दिख रहा होगा, पहले रिकॉर्डिंग पानी ले लूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से भी लेना पड़ेगा पहले इसको लगा के। तो ये देखो ये अभी दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ तक पानी आ रहा है ना, जहाँ जहाँ पर पानी एकदम एंड हो रहा है, उसके एंड वाला ब्लॉक तोड़ना है, ये वाला, समझ रहे हो, एंड वाला। हाँ जब तक भाई अभी इसका काम है तब तक हमें एंड वाला ब्लॉक तोड़ना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पानी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई फिर पानी आ जाएगा तो फिर काम करने में दिक्कत होगी। तब तक के लिए हम यही तोड़ते हैं, है ना भाई। पिकैक्स भाई कितनी ज़्यादा टूट रही है भाई, अभी और बनानी पड़ेगी। क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं यहाँ साइड में लगाएंगे, क्योंकि भाई यहीं से तो अभी पीछे की तरफ माइन करना है। चलो दो बना लेते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं है ना कितनी टूट जाएंगी, और नहीं भी टूटेगी तो कोई बात नहीं, बची जाएगी, कौन सा कोई मुझसे छीन लेगा यहाँ पे। तो अब करना क्या है, ये देखो, अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ से सीधा यहाँ से 7 ब्लॉक जाना है पीछे, 7 ब्लॉक जाना है। पहले तो 2x3 का ना एक गेट टाइप का बना लेना है आपको, ठीक है, एक 2x3 का गेट टाइप का बना लेना, और फिर यहाँ से 7 डिक करना है, मतलब स्ट्रिप माइन करना है आपको सीधा। तो मैं कर लेता हूँ इसको, क्योंकि भाई टाइम लग रहा है इसमें, और ये ग्लिच हो रहा है, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, देख रहे हो जैसा पटाखा फूट रहा हो, कुछ ख़तरनाक चीज़ है क्या पीछे, ऐसा लग रहा है। चलो ये वाला अब इसको भी इसी तरह कर देते हैं, एक टनल टाइप की बन जाएगी है। तो भाई बन के रेडी हो चुकी है, अब ना करना क्या है, ये जो ब्लॉक हैं ये वाले, अब देखना यहाँ से पानी बह के आने लगेगा, अभी तो सारे एजेस तोड़ देते हैं इसके, जिससे कि भाई हमारे जो भी स्पाइडर स्पाइडर स्पॉन होगी वो तो सीधा उस साइड आएगी, और फिर हम उसको मस्त करके उसकी हजामत करेंगे। सबसे पहले भाई जितना भी सामान आ रहा है वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और एक सेकेंड है ना, साइन बोर्ड ले लेते हैं, लगा देते हैं यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि पानी फिर एकदम सामने आ जा रहा है, इसको रोकना भी तो है। ये लगा दिया यहाँ पर, और एक सेकेंड है ना, टॉर्च कहाँ है, नहीं कौन सा ब्लॉक तोड़ना था मुझे, पहले टॉर्च ही लगा देते हैं भाई, क्योंकि अंधेरा तो ज़्यादा हो रहा है कि क्या बोलना है। ये वाला ब्लॉक तोड़ना है हमें, क्योंकि ना मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ भाई, मैं भी
सीख रहा हूँ अभी भाई, मैं इतना प्रो हूँ नहीं तो मैं अभी भूल जाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर वॉल लगा देते हैं। कहाँ है वॉल यार, तो ना मेरा दिखता भी नहीं है मेरे को इन्वेंट्री में क्या, हाँ क्या रखता हूँ मैं। तो ये हो गया, वॉल लग के हो चुकी है रेडी। अब ये वाला ब्लॉक भी तोड़ना है। ओ यार ये अभी भाई, अभी गोल्ड तो तोड़ेंगे नहीं भाई, गोल्ड तो तोड़ने से रहे, क्योंकि भाई आयरन के पिकेक्स में लाया नहीं हूँ सबसे मेन बात जो है। और दो चेस्ट मेरे पास पड़ी, अरे दो चेस्ट, अरे यार तीन लानी थी। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर वो लगा लेते हैं, हॉपर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आकर लगा देंगे यार। वैसे भी कौन सा एक स्पाइडर हमें इतना सारा सामान देके चली जाएगी, दो चेस्ट भर जाए। अरे कैसे जाएं इधर, अब इस साइड, एक सेकंड इसको तोड़ ही देते हैं ना। इतना झमेला क्या करना है यार, मैं भी ना कन्फ्यूज़ रहता हूँ। एक तो ना ऑन रिकॉर्डिंग कसम से यार मैं इतना नर्वस हो जाता हूँ गेम खेलते समय, भाई सच बता रहा हूँ। वैसे तो भाई ऑफ रिकॉर्डिंग फिर भी सही खेलूँगा, लेकिन जब ऑन रिकॉर्डिंग खेलता हूँ ना भाई, कसम से इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ पता नहीं क्यों, कि जैसे पता नहीं क्या कोई नज़र ही लगा देगा। एक सेकंड इसको ला, लेकिन मैंने तोड़ा क्यों था वाला ऊपर भाई, इसी बीमारी कहते हैं ठीक है, आप मत तोड़ना ऐसे करके, तो ये पता चले कंपलसरी समझ के आप भी एक लगा के तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे से गलती से हुआ था। तो यहाँ पर भी इसको, एक सेकंड, ये इसको गोल्ड ओर को देख कर ही लगाता हूँ, लगा दिया। और अब देखो यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर ये पानी, अब देखो, और एक और बकेट है, और एक और बकेट से हम इस साइड डाल देंगे, जिससे कि ना मकड़ी वहाँ तक आए और वहाँ से फिर यहाँ तक आ जाए आराम से। अब देखो यहाँ तक पानी आ रहा है, अब इस पानी को रोकने के लिए हमें यहाँ पर ना स्लैब लगाना पड़ेगा, ये हॉपर के ऊपर ऐसे क्राउच करके स्लैब लगा दिया। अब देखो पानी यहीं पर अटक गया है ना, अब फटाफट रुको, यहाँ पे एक लेयर और नीचे जाना पड़ेगा अपन लोग को, ये मस्त। अब फटाफट से इसको डिक कर लेते हैं, क्योंकि भाई इतनी छोटी सी जगह में ना सही में थोड़ा मेरे को अजीब ही लगता है, मतलब सही बताऊँ मुझे एकदम खुली खुली जगह पसंद आती है काम करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं कि भाई पता चले पूरा केव ही बना दूँ इसको, नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मली भाई कि जहाँ पे उछल कूद मतलब फुल हो पाए। रुको सबसे पहले ना यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं, एक कहाँ पर, एक सेकेंड, एक दो तीन यहाँ पर लगाना है, और ट्रैप डोर निकाल लेते हैं भाई। ट्रैप डोर हमें लगाना है कुछ इस तरीके से, एक दो तीन यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या है ना, मकड़ी आएगी बट हमारे पर हमला 1% नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि तो भाई ट्रैप डोर बोलेगा निकल पेली फूट से तुम्हें। अपना फटाफट से टिक कर लेते हैं है ना, जल्दी जल्दी सारा। और उससे पहले लेकिन एक सेकेंड भाई, पता नहीं क्या हो रहा था, लैग कर रहा था भाई बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ एकदम से भाई, रिकॉर्डिंग में हुआ नहीं हुआ बट भाई सच में लैग किया भाई, मैं एकदम से मतलब मेरे को मतलब एकदम ऐसा लगा मैं तो डर गया था भाई। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर लावा की आवाज़ आ रही है कहीं पे, यहाँ आसपास लावा है भाई, नोटिस करना, देखो बैकग्राउंड में देखो लावा की आवाज़ आ रही है, यहाँ आसपास लावा है भाई। देखो जब भी ऐसा कुछ होता ना भाई, मेरा थोड़ा दिमाग फिर जाता, और मैं पता चले मैं ऑफ रिकॉर्डिंग यहीं पर माइनिंग करने लग जाऊँ, उसके पीछे लग जाऊँ माइनिंग करने, भाई मेरा कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पता चले आपको अगली वीडियो किसी और ही कंटेंट में मिल रही है। क्योंकि भाई मेरे को जहाँ भी कुछ अजीब सा लगता है मैं वहीं पे चालू कर देता हूँ बातचीत, तो भाई यहाँ से रास्ता बना लेते हैं बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ इस चीज़ में होने वाला है काफ़ी ज़्यादा चोचला भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि कोऑर्डिनेट से खेलना भाई काफ़ी मुश्किल होता है। और ये देखो भाई बन गया रास्ता, तैयार हो गया भाई, आपको लग रहा है सर 2 मिनट का काम है भाई, बट ये बहुत टाइम लगा मेरे को भाई कसम से समझने में, क्योंकि भाई पहली बात भाई मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कोऑर्डिनेट से, मैंने देखा क्या सीन होता है क्या नहीं, तब जाकर मैं कोऑर्डिनेट से खेल के मैंने रास्ता बनाया भाई सच में। और ऐसा खुला खुला सही लग रहा है रास्ता, मैं एकदम इसको ना स्टेयर की तरह नहीं बनाऊंगा सीधा, जैसे स्टेयर नहीं होती है वैसा नहीं बनाऊंगा, जैसा आया वैसा ही रहने दूंगा इसको, क्योंकि भाई मेरे को खुला खुला सही लगता है, मैंने बताया ना अभी आपको है ना। तो भाई अब देखते हैं भाई कैसा वर्क कर रही है ना। चलो भाई बन के रेडी हो, मतलब हो गया सब कुछ, हो गया भाई इसमें सब कुछ हो चुका है ना, सब कुछ मतलब पूरी तरीके से रेडी है, बस इसका वही है जो स्पॉनर से टॉर्च हटानी है,
एक सेकंड रुको यार, मैं यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगा पा रहा हूँ। बताओ भाई ऐसे कैसे बन पाऊँगा मैं प्रो प्लेयर, मैं नूब ही रह जाऊँगा गाइस। पर आप लोग सपोर्ट दिखाना, देखो मैं आपका भाई हूँ है ना, नूब हूँ तो क्या हुआ। एक सेकंड यहाँ पर लगा देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी पहले रुको एक सेकंड, ये टॉर्च मैं तोड़ के आता हूँ, ये टॉर्च से इकट्ठी हो जाएगी वहाँ पर ऑपर की मदद से। और ये भी तोड़ लेते हैं, भाई डर लग रहा है कहीं मकड़ी धैड़ पैड़ से आना चालू ना हो जाए। रुको वाटर बकेट एक डाल दिया है और चलो यहाँ से ट्राई करते हैं तोड़ने की। लेकिन एक सेकंड पीछे ही कैसे तोड़ूंगा फिर, चलो यहाँ की तो तोड़ दूंगा लेकिन पीछे ही कैसे उठेगी। रुको पीछे की तोड़ के आते पहले ये, अरे तो ये ले साड़े, मैं तो भाई भाग रहा था, मेरे को डर इतना ज़्यादा लग रहा है ना कसम से, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था ना भाई यहाँ पे इतनी सारी मकड़ी थी, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया, मैं काफ़ी पिटा था मकड़ियों से, इसीलिए तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ। तो अब देखो अब तो सारा यहीं से हो जाएगा। ओ भाई भाई जैसे टॉर्च हटाई वैसे देखो कैसे मकड़ी आई भाई, अब फटाफट से इसको तोड़ लेते हैं भाई, मेरे को तो लग रहा है मस्त काम कर रहा है ये, जो मकड़ी आना भी चालू हो गई। जल्दी से इसको ढक देते हैं सारा का सारा। अब देखो तुम्हारा भाई फुल खतरनाक ही कर देगा इसमें, अब इतनी मकड़ियाँ मारेगा, इतनी मकड़ियाँ मारेगा किसी ने सोची नहीं होगी। एक सेकेंड यार ये थोड़ा ना लुक ख़राब कर रहा है ये जो हरकत हुई है ना, ये चीज़ हमारा लुक ख़राब कर रही है कि नहीं। इसको ना थोड़ा और इसको थर्ड ब्लॉक तक का कर देते हैं, मैंने बोला ना इसको खुली खुली जगह पसंद है। चलो भाई अब चेक करके देखते भाई कैसा काम कर रहा है ये, भाई क्या मतलब मेरी सॉरी लोकल है मरी नहीं है भाई। ओ भाई एक्सपी तो मिल रही है अभी 33 एक्सपी है, देखे जा रहा है कितनी होती है क्या। अरे अब आई नहीं रही, क्या बात है, मतलब मैंने ज़्यादा तारीफ कर दी क्या, तो भाई आने लग गई। रुको अपनी टॉर्च और कवरस्टोन उठा लेते हैं, ये कहाँ उठा रहा हूँ डीप स्लेट सॉरी कवरस्टोन बोल रहा हूँ। अरे आ गई भाई सही काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है यार। चलो इसको चलो से ये भी तोड़ लेते हैं, और ना इधर पे जो ये है ना एक मस्त सा अपना एकदम लेजेंडरी वाला क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं, और कुछ नहीं तो दो चेस्ट भी बना ही देते हैं, क्योंकि भाई क्या पता हम यहाँ पर कभी आए और इमरजेंसी में कुछ सामान वामान रखना पड़ जाए हमको। और एक यहाँ पर ना यहाँ पर भी इसकी एक चेस्ट रह गई है, एक चेस्ट लगाना रह गया, रुको इसकी थोड़ी और जमा करते हैं। है मज़ा आ रहा है यार मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं तो जल्दी चलते अपन लोग। ओ एक सेकंड ये मकड़ियाँ आती रहेंगी क्या यहाँ पर, मतलब रुकेंगे नहीं, तो बड़ी मस्त बात है भाई, ऐसे तो मैं एक्सपी का बादशाह बन जाऊँगा। चलो चलते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारी एक चेस्ट कम है, ये एक चेस्ट भी लगानी है हमें अभी भाई, इतने ज़्यादा काम है मतलब क्या बोलें। और वहाँ एक सेकंड मेरी आयरन की पिकैक्स कहाँ है भाई, किसमें है, किसमें रखी थी इसमें, इसमें ये रही, वाह जहाँ पे हाथ लगाया वहीं पे है। मतलब मैं भी ना मतलब फुल कंफ्यूज रहता हूँ ऑन रिकॉर्डिंग भाई, मैं बहुत ज़्यादा नर्वसली खेलता हूँ भाई, पता नहीं क्यों मेरे को क्या हो जाता है ऐसा, मेरे को ऐसा डर लगता है भाई कि कोई मतलब वो पीट पाड़ देगा मेरे को। चलो भाई पहला पहला गोल्ड भाई अपने वर्ल्ड का भाई, पहला गोल्ड, वैसे भाई पहला गोल्ड, और एक और चीज़ हम भूल रहे हैं भाई, पहला तिलस्मी सुनहरा सेब, उसे कैसे भूल सकते हैं भाई। रुको एक सेकंड मैं अपनी निंजा टेक्निक लगाता हूँ, वैसे तो गलत लग गई थी। ओके ओके ऐसे भी गलती लग गई, कोई बात नहीं, इस बार जो तुम्हारा भाई निंजा टेक्निक लगाएगा वो उससे देखना कंफर्म सही लगेगा। ओ फिर तुम लोग बोलोगे भाई, फिर तुम लोग खुद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे भाई कि इतनी खतरनाक खतरनाक ट्रिक, ये देखो
अब देखो आपने कहीं नहीं देखी थी ये ट्रिक, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई इसी बात पे, क्योंकि ऐसी ट्रिक भाई मैं करता रहूँगा आने वाली वीडियो में, फिर आपसे मिस हो जाएंगे, फिर आप भी भाई दुखी रहोगे क्या मतलब है, तो सब्सक्राइब कर दो भाई। और ये देखो गेट टाइप का बन गया भाई, मतलब रैंडमली तुम्हारा भाई कुछ खतरनाक सी चीज़ें बना देता है। एक सेकेंड टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पर भी, थोड़ा मस्त लगेगा। मैं यहाँ पर डेकोरेशन लग रहा है जैसे कोई मतलब महल वहल का गेट वेट हो थोड़ा, और ये ऐसे टॉर्च लगी है। तो भाई मैं तो करता रहूँगा इनकी हजामत, आप भी करते रहो हजामत नहीं अपने भाई को सपोर्ट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अपने सभी माइनक्राफ्ट फ्रेंड्स को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।